तो भैया वीडियो ना ये लास्ट तक जरूर देख लेना, आज का वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए जो भैया फ्रीलांसर हैं, जिनका फ्रीलांसिंग का काम है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि बहुत सारी कैटेगरी है, आर्टिस्ट लोग हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टर्स हैं, हर तरह हर तरह के लोग हैं जो एक्टिंग करियर में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, जो एक्टर भी हैं। हम भी जो है वही हैं, हमारा भी वही काम है, फ्रीलांसर ही हैं, एज अ फ्रीलांसर ही आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसर लोगों के लिए या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कहने का मतलब है कि भैया जिनकी सैलरी जो है वो एक फिक्स नहीं होती, मंथली फ्लक्चुएट है, कभी इतना आ रहा है, कभी उतना आ रहा है, कभी बहुत आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा, मतलब जिनका काम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, उन लोगों के लिए कैसी गाड़ी सही है, हाँ, कौन सी रेंज की गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ियां बेहतरीन रहेंगी। बिल्कुल। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी कैटेगरी है, आर्टिस्ट लोग हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टर्स हैं, हर तरह के लोग हैं जो एक्टिंग करियर में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, जो एक्टर भी हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम लोगों को कैसी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक फिक्स इनकम नहीं है मंथली। एंड दोस्तों हम भी जो है एक फ्रीलांसर ही है, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए शायद मेरे से बेटर आपको ये चीज गाइड नहीं कर पाएगा कोई भी। मैं भी भैया एक यूट्यूबर हूँ, कभी व्यूज आते हैं कभी नहीं आते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई व्यूज दे दिया करो। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जो है भाइयों के लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी एक इनकम स्टेबल नहीं होती है मंथली की, 4 महीने अगर आपके रेगुलर काम है और 2 महीने काम नहीं है, कि इस महीने लाख कमा लिया, इस महीने सिर्फ 10,000 या 20,000 आया, फ्रीलांसिंग जॉब में दक्ष ये होता रहता है, बिल्कुल है, बहुत ही कॉमन है। तो इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भैया किस तरह की गाड़ी लें, कौन सी गाड़ियां लें और कितने के बजट में लें, और सही बात है ईएमआई पे लें, कैसे लें। तो दोस्तों रिकमेंडेशन ये है कि अगर हमारी इनकम फिक्स्ड इनकम नहीं है तो कोशिश करो या तो आप सेकंड हैंड गाड़ी उठाओ, वन पेमेंट पे आप लोगों ने गाड़ी लेनी है, किस्त वाला झंझट नहीं लेना आपने। अवॉइड टू बाय अ कार ऑन ईएमआई, अवॉइड कर दो। भैया हम भी जिस गाड़ी में बैठे हैं ना, ये भी फुल पेमेंट पे ली हुई है, क्योंकि हम भी फ्रीलांसर हैं, क्योंकि अक्लमंदी नहीं होती दोस्तों ये चीजें जो है। बिल्कुल सही बात। अगर आपका आज बजट है आप गाड़ी ले लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उस टाइम पे, बिल्कुल बेटर टू गो कि आप चाहे आप कुछ टाइम टाइट होकर बैठ जाओ, आप वन पेमेंट पे गाड़ी लेना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, या सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है। कहने का मतलब ये कि लोन नहीं लेना, कोशिश करो। हम लोगों को ये कहते हैं कि भैया चीज वो लो कि आप ज्यादा टाइट मत होके बैठो, लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है कि हिसाब थोड़ा अलग चलता है। भैया जोड़ लो पैसे पहले, उसके बाद आप ले लो, जब आपका बजट बनता है तो चाहे आप नीचे की सेगमेंट की थोड़ी गाड़ी उठा लेना, लेकिन भैया लोन फ्री गाड़ी रखना। सारे फ्रीलांसर भाइयों को ये एडवाइस है, कल को भैया अगर जरा सी भी इनकम कम हुई, लोन तो जाएगा ही जाएगा, ईएमआई तो जाएगी। अभी आपकी इनकम अच्छी आ रही है तो शायद आपको लग रहा हो ये गाड़ी ले। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दोस्तों बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गाड़ी ईएमआई पे ली है, बिल्कुल, और उस दौरान समझ आ गया कि जब फ्लक्चुएशन हो रही थी इनकम में कि भैया ईएमआई सूटेबल नहीं है हमारे लिए जो है। तो जितनी भी गाड़ियां ली उसके बाद, हुंडई सोनाटा लिया, जो भी जितनी अपनी कैपेबिलिटी थी, एक्सयूवी ली, आज ये जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, सारी गाड़ियां वन पेमेंट पे ली गई हैं, बिकॉज वी आर अ फ्रीलांसर। एंड हम सजेस्ट भी फ्रीलांसर भाइयों को यही करेंगे कि आप गाड़ी वन पेमेंट पे लो, और वो गाड़ी लो, ये ना हो कि भैया आप अपने बजट से बहुत ज्यादा ऊपर चले गए गाड़ी लेने के लिए, थोड़ा सा चाहे नीचे का मॉडल ले लेना, अपनी चीज अपनी बन जाती है, ईएमआई वाला झंझट काटा मार देना। नहीं तो बहुत कई बार यार कैसी सिचुएशन आ गई थी दक्ष, नौकरी वालों को तो भैया भाइयों को हमारे फिर भी सैलरी मिल गई थी, लेकिन फ्रीलांसर भाई जो है ना बहुत बुरे हालात देखे हैं सारे फ्रीलांसर भाइयों ने, म्यूजिशियन एक्टर्स बड़े बड़े बंदों के हालात खराब हो गए थे, और बैंक वालों ने भैया खून पी रखा था, किश्त का है। तो ये चीज भैया एक सबक देती है कि खासकर अगर आप ऐसी लाइन में हो तो यार प्लीज अवॉइड कर देना। बिल्कुल सही बात है। बाकी दोस्तों आपकी अपनी इच्छा है कि आप कैसे जो है गाड़ी को जो है लेना पसंद करेंगे। पसंद करोगे, किसी भी सेगमेंट में ले सकते हो गाड़ी। इन टॉपिक्स के ऊपर
अलग अलग जो है वीडियोस बना रखे हैं, नेगोशिएट करो। वन पेमेंट पे तो गाड़ी वैसे भी बहुत जल्दी बहुत सस्ती मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके अच्छे के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किस्त पे लेना चाहते हो वो आपकी अपनी मर्जी है, ईएमआई पे। लेकिन भैया इनकम फिक्स होनी बहुत जरूरी है। ईएमआई पे गाड़ी उन्हीं भाइयों को लेनी है जिनकी रेगुलर इनकम फिक्स है। बिल्कुल, जिनको पता कि भैया लाख रुपए 2 लाख रुपए तो आना ही आना है, 50,000 तो आना ही आने है। ऐसे भाई को लोन पे गाड़ी नहीं लेनी है कि 2 महीने काम आया, 3रे महीने काम ही नहीं है, 4थे महीने काम ही नहीं है। वो एवरेज ना बहुत कम हो जाती है उस पैसे की। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि भैया अगर आप फ्रीलांसर हो, फोटोग्राफर हो या डांसर हो, पेंटर हो, तो भैया गाड़ी ऐसी लेना जिसकी डिक्की बहुत ज्यादा हो, जिसकी डिक्की काफी अच्छी हो, बूट स्पेस आपको अच्छा मिले। बिकॉज कई बार आपको कहीं जाना पड़ता है, फंक्शन प्रोग्राम पे जाना पड़ता है, अपने काम से रिलेटेड जाना पड़ता है, साथ में टीम ट्रैवल करती है। तो भैया गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मतलब अच्छा खासा आपका लगेज, आपका सामान, आपके स्टैंड वगैरह सब कुछ जो है आराम से आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो डिक्की का जो है अच्छा खासा ध्यान रखना जब भी कोई गाड़ी लो। और यार थोड़ा सा ना, जब हम ऐसी लाइन में है ना, थोड़ा दिखावा भी चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश करना कोई अगर आप प्रीमियम गाड़ी सेकंड हैंड उठा पाओ ना, यार गायक है कोई, शोज करने के लिए जाता है, शो बिजनेस का जिनका काम है, भैया आप सेकंड हैंड गाड़ी उठाओ, इम्पोर्टेड गाड़ियां जो है, भैया हाथी के दांत दिखाने के होते हैं। फ्रीलांसिंग में ना माल तभी मिलता है अगर आपकी वैल्यू है तो। बिल्कुल, नहीं तो बंदा बोलेगा यार आपने देखा होगा यार, जितने बड़े बड़े एक्टर है ना, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां लेके बैठे होते हैं। भैया जजमेंटल है दुनिया, काम आपको तभी मिलता है। पंकज त्रिपाठी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कहता है कि मैंने लग्जरी गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि जब मैं शूट पे जाता था अपनी छोटी गाड़ी में तो लोगों को लगता था किसी छोटा एक्टर आ गया, किसी छोटे एक्टर को साइन कर लिया, साइन कर लिया। कहता है इसलिए मैंने जो है लग्जरी गाड़ी ली है, मुझे शौक नहीं है। अकलमंदी ये, जब अपनी छोटी गाड़ी में जाता था तो सामने वालों को लगता था यार छोटे एक्टर को कास्ट कर लिया, ये तो साधारण गाड़ी में आता है। कई बार काम की वजह से आपको वो दिखावा करना पड़ता है, कई बार काम ऐसा होता है। अगर आप उस लेवल पे आपका काम है तो आप जिस मर्जी लेवल की आप गाड़ी ले सकते हो, लेकिन लेनी वन पेमेंट पे है। और थोड़ा सा शो बिजनेस के लिए चाहिए तो भैया आपको पुरानी गाड़ियां, इम्पोर्टेड गाड़ियां, अगर आप पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड नहीं लेना चाहते हो लग्जरी गाड़ियां, तो भैया ब्रांडिंग ऑप्शंस में भी कुछ कंपनियां हैं जो भैया बहुत ही बढ़िया एकदम ऊपर मतलब चमका कर माल को दे रही है। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम बात करें तो MG की गाड़ियां बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, हालांकि बजट उनका कम है, मतलब बजट में आती है 12-15-16 लाख रुपए की आ जाती है, लेकिन भैया बहुत प्रीमियम लगती है वो गाड़ी। बिल्कुल, यानी कि यार शो बिजनेस है तो आपको चमचम वाली गाड़ी लेनी है कोई, दिखावा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और चेन ऐसे चमकनी चाहिए। 100 डॉलर योर इट। हेक्टर गाड़ी भी आप ले सकते हैं MG की, यानी मतलब जो बड़ी दिखने वाली गाड़ी है, कोशिश करो कि ऐसी गाड़ी लो जो बहुत बड़ी दिखे। XUV 700 ली जा सकती है, प्रेजेंटेबल गाड़ी होनी चाहिए यार फ्रीलांसर के पास जो भी है। बिल्कुल, बार बार हम फ्रीलांसर वर्ड यूज इसलिए कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोफेशन आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई एक नहीं होता, यानी कि जिनको लोग पैसा दे के हायर करते हैं अपने काम के लिए, कोई प्रोग्राम्स कराने के लिए, कोई एक्टिंग के लिए, कोई पेंटिंग के लिए, कमीशन बेस्ड जो होते हैं, कमीशन करते हैं जिस जो काम को, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है वीडियो जो है। और बहुत से हमारे भाई हैं जो हमें देख रहे होते हैं जिनका जो फ्रीलांसर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो भाई बजट में लेना चाहते हैं गाड़ी, और जिन लोगों को रीसेल वैल्यू का बहुत ध्यान है, क्योंकि भैया जैसा कि हमने बताया कि इस काम में कभी काम है कभी नहीं है, गाड़ी कभी कभार बेचनी भी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो गाड़ी ऐसी लेना जो बिक भी जाए कल को, ऐसी कंपनी की गाड़ी मत उठा लेना कि भैया कंपनी वाले शोरूम वाले भी नहीं ले रहे ना भैया, बड़ी मुश्किल से बेची थी, तुम भी रखो। EMI पे अगर लेनी भी है ना भाइयों को गाड़ी, तो ऐसी कंपनी की ले लेना जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो। बिल्कुल सही बात है। मिड साइज SUV में लेनी तो क्रेटा सेल्टोस ही लेना फिर, बहुत ही सुंदर गाड़ियां नई वाली जो आई है, रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया। टाटा की जो नई वाली नेक्सॉन आई है उसके जो ऊपर के मॉडल है जो 14 लाख रुपए तक के आ जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। एंड जो गाड़ी महीने की 15,000 बिक रही है उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। रीसेल वैल्यू तभी पता चलती है कि महीने में मंथली गाड़ी की कितनी सेल है, साल में कितनी गाड़ी बिकी है। और वो कंपनी की गाड़ियां बिल्कुल मत ले लेना भाई जो खुद ही नहीं गाड़ियां बेच पाते, जैसे सिट्रॉइन हो गया, सिट्रॉइन वगैरह हो गया, फॉक्सवैगन, या तुमने क्यों ले रखी है वो कहेंगे सिट्रॉइन वगैरह। पैसा बहुत है पर हाँ, यहाँ तो भाई पैसा बहुत है तो जो मर्जी लो।
एम जी की भी रेसल कम है लेकिन भैया वो चीज बड़ी सुंदर है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त है। वो चीज बड़ी कमाल है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर अभी भी कंफ्यूज हो किसी गाड़ी में कि कौन सी लें कौन सी ना लें, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिए, हमारे साथ कॉल बुक करा सकते हैं, फोन पे बात करके पूछ सकते हैं। एंड भैया अगर पीडीआई करवाना चाहते हो अपनी नई गाड़ी की, तो भैया वो भी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। Love you all.